आपने मदरसे की बात की तो उसपे आजकल जो मदरसे के हालात है उसपे एक बात मतलब याद आ जाए तो मैं चाहूंगा आपको कैमरामैन से कैमरा इधर करें, क्योंकि ये मदरसा संस्कृत के प्रबंधक है वर्तमान में और 15 वर्षों से है लगातार। तो मैं इनसे जानना चाहूंगा हाल में एक फैसला आया कि मदरसे की शिक्षा मतलब कि दीनी है, मतलब एक तरह से कहा जाए तो उसके अवैध करार दे दिया गया, उसमें बाद में अरे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, उसके आप क्या करना। हाँ, हाई कोर्ट ने ये कहते हुए अवैध करार दे दिया था कि अब शिक्षा दी जाती है और सरकार का पैसा इस पर लगता है, ये अवैध तरीके से खर्च हो रहा है। तो इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई शिक्षा का अधिकार तो हर हर कौम को, हर मजहब के लोगों को, अभी तो नकमाओं के लिए नहीं करूँ ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं, सरकारी विद्यालय हैं जहाँ सभी पढ़ाई जाती है, और ये जो है कौन स्कूल है, सरस्वती विद्या मंदिर है जहाँ पर हिंदू धर्म की 1-2 घंटे पढ़ाई जाती है। इसी तरीके से मदरसों में भी 1-2 घंटे इस्लामी तालीम की दी जाती है, उसके साथ साथ हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, मतलब साइंस की भी पढ़ाई होती है, अंग्रेजी की भी पढ़ाई होती हर जबान पढ़ाई जाती है, है, और बच्चे यहाँ से निकल के आगे कामयाब भी बने दूसरे क्षेत्रों में और भी। बहुत सारे बच्चे यहाँ से करने के बाद इंटर कॉलेजों में, डिग्री कॉलेजों में बहुत से बच्चे मेडिकल लाइन में भी गए हैं। तो ऐसा नहीं, मतलब ऐसा कि नहीं हो हाई सकता, कोर्ट के फैसले सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल या जुलाई में जो है अच्छा इस फैसले से कितने लोग प्रभावित हो रहे थे आप अंदाजा। करीब 16,000 के करीब मदरसे हैं मान्यता प्राप्त, और अंदाजे तो 5.5 से 100 मदरसे हैं, और बाकी जो मान्यता प्राप्त थे जो चंदे थे चंदे से चलते थे वो आप भी नाम। चंदे थे, चंदे थे आम चंदे, चंदे थे। तो एक बात मैं बता दूं कि मात्र 500-600 मदरसे ऐसे रहे, तो 5 मदरसे थे ऐसे जिनको थे सरकार अनुदान देती थी, जिनके उसकी जो टीचरों सैलरी को सरकार द्वारा सैलरी दी जाती थी। बाकी और भी इस्लामिक मदरसे हैं जहाँ दीनी और हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और इन सब की और भी तालीम दी जाती थी, लेकिन वो पैसे जो आते थे वो लोग आवाम देती थी, चंदे की शक्ल में आते थे, जिससे दूर दूर के गरीब बच्चे तालीम लेने के लिए आते थे और उनको इन मदरसों में फ्री शिक्षा मिलती थी, जो कि आज चैलेंज बना हुआ देश के लिए कि शिक्षा फ्री की जाए। 50 वर्ष पहले से शिक्षा फ्री है, खाना फ्री है, रूम फ्री है, तमाम चीजें फ्री हैं, और उसके बाद डिग्रियां उनको पूरी करके दी जाती है, और इसमें से निकले हुए बच्चे जो वाकई यहाँ पर आके पढ़ गए कामयाब होते हैं, कामयाब पीछे पढ़ते हैं, कामयाब होने बनते हैं। तो सर आप लोग निकाल के बातें हो कुछ नहीं। हाँ, बहुत सारे लोग हैं, कल मैं भी प्रजाशनी के औपचारिक यानी दावत शानदार आप सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना हमें चाहेंगे। जो है बहुत बड़ी राहत।